वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 27 जून 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है दैट इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर किसे डिक्लेयर किया गया है, कोझिकोड केरला को। अच्छा, ऐसी ही एक न्यूज कुछ टाइम पहले भी आई थी, तो अक्टूबर 2023 में हमने पढ़ा था कि कोझिकोड को रैंक किया गया है इन द लिटरेचर कैटेगरी ऑफ यूसीसीएन, राइट। तो एक लिटरेचर कैटेगरी वाला जो कंसेप्ट है वो अलग है, सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया ये अलग है। हाँ, मीनिंग सेम है कि लिटरेचर कैटेगरी में कोझिकोड थोड़ा आगे है, अव्वल है, है ना। इसके लिए इसे रैंकिंग प्रोवाइड करवाई गई थी बाय यूसीसीएन। यूसीसीएन क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसी के तहत ग्वालियर को म्यूजिक कैटेगरी में यहां पे रैंकिंग मिली थी, है ना। लेकिन आज की न्यूज क्या है कि इंडिया की पहली ऐसी सिटी जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है बाय यूनेस्को, कौन सी सिटी बनी है? तो वो बनी है कोझिकोड केरला। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया है ना। लिटरेचर कैटेगरी के लिए कोझिकोड फेमस है और ग्वालियर फेमस है म्यूजिक कैटेगरी में। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जून 2023 को अब से सिटी ऑफ लिटरेचर डे कोझिकोड के लिए, मतलब वहां के जो लोग हैं उनके लिए सिटी ऑफ लिटरेचर डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। नोन फॉर ग्रेट लिटरेरी फिगर्स। अब यही है कि कोझिकोड किसके लिए फेमस है, क्यों इसे सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया, तो बहुत ही महान साहित्यकार यहां से थे, जैसे कि लेट एस के पोटक्कड़ हैं एंड वायको मोहम्मद बशीर हैं, ठीक है। अब ये जो डिक्लेरेशन हुई, ये जो रैंकिंग मिली, एक थीम के अंडर इवेंट हुआ था, वहां पे मिली। थीम क्या रहा? ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डेकेड। ये था न्यूली डेजिग्नेटेड क्रिएटिव सिटीज। जो भी नई क्रिएटिव सिटीज थी ना, है ना, किसी ना किसी कैटेगरी में, म्यूजिक कैटेगरी में, लिटरेचर कैटेगरी में, तो उन सबको इन्वाइट किया गया था। एक इवेंट हुआ था 2024 में, कहां पे? ब्रागा पोर्तुगल में। क्या था इवेंट का नाम? 2024 यूसीसीएन एनुअल कॉन्फ्रेंस। समझ रहे हैं क्या बात हो रही है? ये जो कैटेगरीज का स्टेटस मिला है इस इवेंट में, जो कि पोर्तुगल में हुआ था, वहां पे सारी क्रिएटिव सिटीज को जो कि अलग अलग कैटेगरीज में थी उन्हें बुलाया गया, इनवाइट किया गया। इस थीम के अंडर ये इवेंट हुआ और वहां पे उनको अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ना है तब तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले सेक्शन पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देखनी होगी, क्योंकि स्टैटिक जीके का टॉपिक है तो डेफिनेटली वहां पे इसे इन डिटेल पढ़ेंगे, यहां जस्ट मोटा मोटा सा। तो फॉर्मेशन, अच्छा फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई थी, जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है और जिसका एम है ऑफ प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन आर्ट्स साइंसेज एंड कल्चर। प्रमोट करना है दुनिया में शांति बने रहे, एक सेफ्टी एक सिक्योरिटी मेंटेन रहे, कैसे? इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेट करना है एजुकेशन आर्ट्स साइंस एंड कल्चर इन फील्ड्स में, ठीक है। चलिए आगे चलें, सेकंड पॉइंट अपना देखें तो एक पर्सन का रिसेंटली निधन हुआ है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है एस के सुब्रमण्यम, पास्ड अवे रिसेंटली। कौन थे? फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर थे, ठीक है। चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट आप सब चाहें तो बायो के पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, बायोलॉजी की परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी तक देखिए जनरल साइंस के नोट्स अवेलेबल ही नहीं थे टू परचेज, बट अब बायो की पीडीएफ अवेलेबल है। इंडेक्स अगर आपको जाना है तो एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था, है ना, एक शॉर्ट बना के, तो वहां पर आप देख सकते हैं। बाकी परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बायो के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन परचेज लिंक। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है दैट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट कौन सी बनी है। डोमेस्टिक माने अपने देश में, है ना। तो इस तरह की एयरलाइन मार्केट बनी है इंडिया। इंडिया ने ओवरटेक किया है ब्राजील को, मतलब पहले ब्राजील था थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट, बट अब इंडिया बन गया है। टॉप के दो कौन से हैं? यूएसए, सेकेंड है चाइना, है ना। तो ये एज इट इज समझना क्या सिंपलेस्ट पॉइंट है, है ना। फोर्थ पॉइंट हम देखें तो नाटो। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? मार्क रूट बने हैं, जो कि नीदरलैंड के पीएम रह चुके हैं 14 साल तक, ठीक है। सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। अब नाटो भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जिक्र मैंने स्टैटिक जीके में किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके के अंडर
एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसके अंडर 99 वीडियोस वहां पे हैं। इट मींस कि 99 टॉपिक्स हैं जो मैंने वहां पे पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो नाटो की बात कर रही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म हो गई। मतलब सिंपल वे में समझ लें तो नॉर्थ अटलांटिक के आसपास जो देश हैं उन्होंने मिलकर एक संधि की है। ठीक है, इस संधि में क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री माने कि 32 कंट्रीज जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। मतलब इन 32 देशों में से किसी भी एक देश के ऊपर अगर बाहर से कोई कंट्री आके अटैक कर देती है तो इन 32 देशों की आर्मी मिलकर उसका सामना करेगी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल का गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है जिसके 32 मेंबर स्टेट्स हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन कब हुई, ये 1949 में हम पढ़ते हैं, 4 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी में साइन हुई थी। इसके हेडक्वार्टर से ब्रूसल्स बेल्जियम में। अब बात की कि 32 मेंबर हैं, तो इन 32 देशों में से 30 यूरोपियन नेशन हैं, 2 नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको कहा कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास जो नेशंस हैं वो इसके मेंबर हैं, लेकिन ऑलमोस्ट नेशन हैं जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को टच करते हैं, अदरवाइज कुछ लैंड लॉक्ड नेशंस भी हैं, है ना, तो उसके लिए इशू नहीं बनाना कमेंट्स में। नाउ चलिए, 32 देश हैं, 32वां यानी सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन बना है नाटो का, स्वीडन। 31st मेंबर कौन था, फिनलैंड। राइट, पढ़ लिया नाटो के बारे में, चलिए आगे चलें। 5th पॉइंट अपना देखें, तो यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अवार्ड का नाम है नेशनल अवार्ड फॉर APY इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल अवार्ड फॉर APY इम्प्लीमेंटेशन। APY को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया गया है KVGP को। लेकिन ये APY है क्या, अटल पेंशन योजना। अच्छा जी, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है, KVGP को दिया गया है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये एक RRB है, रीजनल रूरल बैंक है, जिसे स्पॉन्सर किया गया है बाय कैनरा बैंक। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा। अब ये अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। राइट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखी लो भाई, है ना, फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस बैंक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस अथॉरिटी ने नेशनल लेवल का अवार्ड इस बैंक को दिया है। वही चीज यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी है, दैट फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी स्कीम। अच्छा, ये जो अटल पेंशन योजना है ना, जो ओल्ड एज में आगे लोग थोड़े बूढ़े लोग हैं उनको इनकम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए ये स्कीम है। अब इसमें मेनली यही है कि 18 से 40 साल तक के लोग जो टैक्स नहीं देते हैं, मतलब टैक्स कौन नहीं देगा जिसकी इनकम बहुत ज्यादा कम होगी, तो उनको एक तरह से कुछ पेंशन लगाई जाएगी, है ना, तो उसके ऊपर ये है। चलिए, इसी के साथ 5th पॉइंट हो गया हमारा, है ना, सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ नोट्स जरूर बनाएं। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि बाद में नोट्स बना लेंगे या बाद में कर लेंगे, देखिए बाद कभी नहीं आता है, ठीक है ना, तो जैसे वीडियो देख रहे हैं साथ साथ में नोट्स भी बनाते हैं, शॉर्ट में नोट्स बनाने फटाफट से, है ना, तो उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने 3rd पेज की ओर। आज का 6th पॉइंट है दैट एवियन इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्स सिमुलेशन एक्सरसाइज। 2 दिनों की एक्सरसाइज है, भोपाल में हुई है, लेकिन किससे रिलेटेड है, चलिए ये नाम से लग रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा है ना, बर्ड फ्लू जिसे भी हम बोलते हैं, ये हमने बायो में भी पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में, करंट अफेयर्स में पहले भी हम इसे एक बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये 2 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज है जो कि भोपाल में हुई है, कंडक्ट की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डेयरिंग एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इन दोनों के द्वारा। ये याद रखना है क्यों ये एक्सरसाइज हुई है, ताकि एनहांस किया जा सके, मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, जिसे कि हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ऐसे केसेस का आउटब्रेक हो उससे पहले ही उसकी तैयारी होनी चाहिए। अब हम बोल रहे हैं कि बर्ड फ्लू है तो हम ह्यूमंस क्यों इसकी तैयारी करें, देखिए ये जो बीमारी है ना मेनली बर्ड्स में ही होती है, पंछियों में ही होती है, लेकिन ये ह्यूमंस में भी हो जाती है। ऐसे लोग जो सिक बर्ड के कॉन्टेक्ट में आए या फिर जो पंछियों की देखभाल करते हैं, इस फील्ड में काम करते हैं, अगर किसी उनके किसी पंछी को बीमारी है उससे उन्हें हो गई, तो ये आगे ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकती है, पर्सन टू पर्सन भी फैल सकती है, इसलिए पहले ही तैयारी करके रखो। अब देखिए थोड़ा सचेत हो रहे हैं लोग, जैसे साइंटिस्ट भी, कि हाँ कोई बीमारी कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जो कोरोना के टाइम पे हुआ है ना, उसके बाद से फिर थोड़ा सा ज्यादा अब ध्यान रखने लगे हैं इस चीज को लेकर, इस तरह की किसी भी बीमारी पे अगर आउटब्रेक होता है तो कैसे तैयारी होगी, कैसे क्या होगा, है ना। चलिए,
आगे चले सेवन्थ पॉइंट अपना देखें तो UNCTAD के हिसाब से, पहले UNCTAD है क्या भाई इसका बताओ, फिर तो हम आगे चलें कि क्या बात हो रही है। फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UN की ही अपनी एक एजेंसी है ना, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ इसके हिसाब से इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से FDI फ्लो, FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में कोई कंपनी खोल रही है, कोई कंपनी आ रही है, कोई यूनिट खोल रहा है, बाहर से कोई कंपनी उसमें पैसा लगा रही है, मतलब इंडिया में पैसा आ रहा है कैसे भी, है ना, सिंपल फॉर्म में समझ लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से डायरेक्टली इंडिया में पैसा आ रहा है इतना समझ लो, है। तो FDI फ्लोज के हिसाब से इंडिया जो है 15th रैंक पे है 2023 के डेटा के हिसाब से, 8th पे था 2022 में, मतलब हमारी रैंकिंग कम हुई है। सोच लो क्लास में कोई बच्चा ना 8वें नंबर पे आता है, 8th पोजीशन उसकी आती है, और एकदम से अगले साल उसकी 15th 15वीं पोजीशन आई, तो क्या उसने अच्छा परफॉर्म किया? नहीं, उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया। पहले वो टॉप 8 बच्चों में आता था, वो टॉप 15 बच्चों में आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज है कि परफॉर्मेंस खराब हुई है, प्लस FDI फ्लो जो है इंडिया के लिए डिक्लाइन हुआ है पिछले, मतलब 2022 से कंपेयर करें तो 2023 में 43%, 2022 की अगर हम बात करें 2021 के हिसाब से तो उस टाइम पे इंक्रीज हुआ था बाय 10%, तो इस साल कम हुआ है जो कि 1%, 2%, 5% नहीं 43% डिक्रीज हुआ है, बहुत बड़ी बात है। एंड सबसे ज्यादा ड्रॉप FDI इनफ्लोज में जो देखने को मिला है वो है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, USA एंड इंडिया। बात करें रैंकिंग्स की, अच्छा इंडिया का रैंक तो हमने अभी पढ़ा कि 15th है, टॉप 3 कौन कौन से हैं, तो टॉप पे है USA, देन चाइना एंड देन सिंगापुर। चलिए UNCTAD का देख लें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, है ना। ये प्रमोट करती है द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड, पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है तो उसमें डेवलपिंग नेशंस कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, है ना, उनको आगे लाने का काम करती है। फॉर्मेशन 1964 में हुई, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है जी। चलिए थर्ड पेज भी हो गया कंप्लीट, बट एक पेज अभी और पढ़ना है, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन रखने की जरूरत है। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, बार बार कहती हूँ क्योंकि आप लोग फिर से भूल जाते हैं, है ना, भूलना नहीं है, याद रखना। और वन मोर थिंग, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। 2024 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो मिलेनियर्स है ना वो कंट्रीज छोड़ के किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके बस रहे हैं, है ना, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रिपोर्ट है कि कैसे मिलेनियर्स जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, है ना। चलिए थोड़ा आगे चल के समझेंगे ना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले रिपोर्ट का नाम देख लें, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, इंडिया का रैंक है 3rd। किस टर्म्स में हम बात कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ द नेट आउटफ्लोज ऑफ मिलीनियर्स फ्रॉम द कंट्री, हमारे देश से, इंडिया से कितने ज्यादा मिलीनियर्स जो है वो इंडिया छोड़ के चले गए हैं, उस हिसाब से इंडिया का रैंक है 3rd। इस हिसाब से टॉप पे कौन है? चाइना। सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम। चाइना माने कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर्स देश छोड़ के किसी और देश में जाके सेटल हो रहे हैं, ठीक है। तो टॉप देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, इंडिया का तो आपको बिल्कुल याद रखना है, है ना, याद रखना है। ये भी आउटफ्लो ऑफ मिलीनियर्स फ्रॉम द कंट्री विद 4,300 मोर मिलीनियर्स लिविंग देन अराइविंग, इतने मिलीनियर्स यहां पे आके सेटल नहीं हो रहे, यहां पे बस नहीं रहे हैं जितने छोड़ रहे हैं, इतने ज्यादा चले जा रहे हैं यहां से, है ना। अब कहां जा रहे हैं भाई? इंडिया छोड़ के USA जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो वो सब जा रहे हैं UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि एक एशियन नेशन ही है। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस फॉर मिलीनियर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी मिलीनियर्स हैं मैक्सिमम यहीं पे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। टैक्स नहीं देना पड़ता ना वहां पे, जीरो टैक्स है। चलिए आगे चले, 9th पॉइंट अपना देखें तो 67th GEF काउंसिल मीटिंग, क्या है GEF? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, यानी एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर है ना, नाम से पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन मेनली काम क्या करती है। तो 67th एडिशन इस ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल मीटिंग का हुआ वॉशिंगटन DC USA में। GEF की बात करें, इसकी फॉर्मेशन 1992 में हुई थी, 186 मेंबर नेशंस इसके मेंबर्स हैं, है ना, एंड सेक्रेटरेट है इसका वॉशिंगटन DC में, मतलब जहां पे सेक्रेटरेट है वहीं पे मीटिंग हुई है। ये एक मल्टीलेटरल फैमिली है फंड्स की, जिसमें मेनली जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड लैंड एंड ओशन हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें उसके ऊपर बातचीत की जाती है, मेनली एनवायरमेंट, है ना, मेरीन एनवायरमेंट बोलो, एरियल बोलो, जैसे भी। और इस मीटिंग में हुआ क्या कि अप्रूवल मिला कि इतना पैसा आप फंड कर सकते हैं, 34 ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाई गई जिसमें इतनी फंडिंग जो है ये देंगे, ये यहाँ पे डिसाइड हुआ। चलिए अब दो छोटे छोटे पॉइंट्स बचते हैं एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। सो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स
किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इस ग्रैंड प्रिक्स के अलावा और कौन कौन से 2024 में मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड विटिलिगो डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 जून को, ठीक है। ये डे थोड़ा बाद में डिक्लेयर हुआ इसलिए मैं आज पढ़ रही हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना। तो थीम रहा इसका यूनाइटेड बाय द स्किन। ये एक स्किन डिजीज है, विटिलिगो एक स्किन डिजीज है, क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें आपके कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ कलरिंग पैचेस, पैचेस समझते हैं आप, इस तरह से धब्बों की फॉर्म में ना कलर लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारा स्किन कलर व्हाइट होगा या लाइट होगा या डार्क होगा, क्या चीज होती है हमारी बॉडी में जो डिसाइड करती है, वो होता है मेलानिन, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।